दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय हरिद्वार में हूँ और आज के दिन हरिद्वार से आगरा का सफ़र करने वाला हूँ और ये सफ़र हम बस के द्वारा करेंगे। थोड़ी देर में यहाँ पर बस आ जाएगी। तो दोस्तों फाइनली हमारी बस आ चुकी है, बस में हम बैठ चुके हैं। बस कैसी है सारी जानकारी आपको मिलेगी। फिलहाल मैंने जो है ऊपर वाली सीट ली है, स्लीपर है, एसी नो डाउट बहुत अच्छा है। समय बाद हम आगरा पहुंचते हैं और कहां पर इस बस का स्टॉपेज है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर आप लोग हरिद्वार से आगरा जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं ये सारे कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और उसके बाद जब आगरा पहुंचेंगे तो वहां के कुछ ब्लॉग भी आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो अभी हमारी बस जो है हरिद्वार से आगरा के लिए चल चुकी है। यहां पर देख सकते हैं ये बस है, राधिका ट्रेवल्स वालों की बस है और अंदर से इस बस में खास ये था कि सभी के लिए एक कैबिन थी और सामने आमतौर पर पर्दे लगे रहते हैं लेकिन यहाँ पर एक शटर लगे हुए थे, पूरे गेट थे। और उसके साथ साथ बात करें तो ये जो बस है ये हरिद्वार पंथदीप एक पार्किंग है वहाँ से चलती है और समय बात करें तो 9 बजे के आसपास आगरा के लिए जाती है। और इसके अलावा बहुत सारी बसें जो हैं वो आपको हरिद्वार से आगरा के लिए मिल जाएंगी जो कि अलग अलग ट्रेवल्स की हो सकती है, तो आप वहाँ से या रेड बस से जाकर ये बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम आगरा के करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों अब हम बस के किराए के बारे में जानते हैं। हमने ये टिकट जो है ऑनलाइन की थी और 945 रुपए की हमें ये टिकट पड़ी थी हरिद्वार से आगरा। कुछ ऑफर इसमें मैंने लगाए थे। तो दोस्तों बस से उतरने के बाद हमने रिक्शा ले लिया है और यहाँ से सबसे पहले हम ताजमहल की ओर चलेंगे। दोस्तों अगर आप लोग ट्रेन से हरिद्वार से आगरा जाना चाहते हैं तो 3-4 ट्रेनें हैं। एक ट्रेन याद है मुझे अच्छे से, कलिंग उत्कल के नाम पर है जो कि डेली जाती है। इसके अलावा कुछ ट्रेनें ऐसे हैं जो वीक में 2 दिन या 1 दिन जाती हैं, तो आप उन ट्रेन से जा सकते हैं। बस की सुविधा काफ़ी ज़्यादा है, आप ऑनलाइन कुछ वेबसाइट हैं, कुछ एप्लीकेशन है जैसे रेड बस है, ऐसे अभी बस करके, तो वहाँ से भी ऑनलाइन आप देख सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग एसी वाली या नॉन एसी जो भी आप बस लेना चाहते हैं आप बुक कर सकते हैं। और अब हम ताजमहल के करीब पहुंच चुके हैं तो चलिए आप सभी को आगे ले चलते हैं। In 200 meters, you will arrive at your destination. You have arrived. दोस्तों सबसे पहले आपको टिकट काउंटर पर ले चलते हैं और देखते हैं टिकट कितने की है। यहाँ पर टिकट जो है काफी समय से लगती है और जब आप लोग ताजमहल के अंदर जाना चाहेंगे तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो ये देखिए टिकट काउंटर के पास काफ़ी लोग हमें यहाँ पर नज़र भी आए हैं और ये है टिकट घर, टिकट काउंटर। तो आइए आपको और पास से ले चलते हैं और टिकट के बारे में जानते हैं और उसके बाद एंट्री का प्रोसेस क्या है, लगेज कहाँ रखेंगे, यहाँ आसपास और क्या क्या सुविधाएँ हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये टिकट के प्राइस हैं, ये 50 रुपीस चार्जेस है और अगर फॉरनर यहां पर आना चाहते हैं तो उनके लिए भी चार्जेस अलग अलग दे रखा है यहां पर 1300, 1100। और उसके साथ साथ बात की जाए तो 50 रुपये आपके हैं ये ताजमहल जो परिसर है उसमें प्रवेश करने के, अगर आप अंदर से उसमें विजिट करना चाहते हैं तो उसका जो चार्जेस है वो 200 रुपये अलग से आपको पे करना होगा और वो जो 200 रुपये वाली टिकट है वो आपको अंदर ही मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर 50 रुपये देकर आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। और जो आपको टिकट मिलती है, कहने को तो वो टिकट है लेकिन एक टोकन होता है, जैसे मेट्रो में आपको टोकन मिलता है वैसे ही आपको वहाँ पर स्कैन करना होता है, उसके बाद गेट खुल जाता है और उसके बाद आप अंदर जाएंगे। तो अभी हम आपको ले चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाती है, ये देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, वैसे तो ताज रेस्टोरेंट लिखा है लेकिन यहाँ पर वॉशरूम फ्रेश होने की सुविधा मिल जाती है और बिल्कुल गेट के सामने है उस जहाँ पर से आप लोग ताजमहल में एंट्री करने वाले हैं और यहाँ से एंट्री होगी और यहीं से पास में वो गेट है ये देखिए,
इसी गेट से जो लोग आते हैं एंट्री करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कई गेट हैं और ये वाला जो गेट है ये वेस्टर्न गेट के नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखें वेस्टर्न गेट के सामने ही आपको वॉशरूम और फ्रेश होने की सुविधा मिलती है। तो आइए आपको ले चलते हैं और देखते हैं कितना वीडियो बनाने को यहाँ पर मिलता है, और उसके बाद अंदर पहुँचेंगे ताजमहल परिसर में, तो वहाँ से भी आपको नज़ारे दिखाएंगे। ये देखिए, ये है चेक पोस्ट जहाँ पर सिक्योरिटी रीजन से सभी को चेकिंग होती है, और साइड में यहाँ पर आपको लगेज रखने की भी सुविधा मिल जाती है। देखिए इस तरफ लगेज रखने की सुविधा है, अगर आपके पास छोटे बैग हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, और बड़े बैग यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं, वो आपको कहीं पहले ही रख कर आना होगा। तो आइए आप सभी को बिना देरी किए हुए ताजमहल के अंदर ले चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर टोकन खो जाता है तो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, और ये बाहर निकलने का रास्ता है। ये देखिए यहाँ से आप वही जो टोकन है वो बॉक्स में डालना होगा और गेट खुल जाएगा, आप बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ताजमहल के अंदर आप क्या ले जा सकते हैं। कैमरा, मोबाइल, पर्स, पैसे, पानी की बॉटल, ये सभी कुछ आप लेकर अंदर जा सकते हैं। आप खाने पीने का कोई भी सामान ताजमहल के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, और उसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भी सेल्फी स्टिक वगैरह ये भी अलाउ नहीं है। आप कैमरा मोबाइल ये ले जाइए, लेकिन सेल्फी स्टिक या आजकल बहुत बड़े बड़े आपने देखा होगा कि ट्राइपॉड आते हैं, तो वो कुछ भी अलाउ नहीं है। चलिए आपको आगे सैर कराते हैं। सभी को लेकर हम ताजमहल के अंदर चलते हैं और यहाँ के सुंदर जो नज़ारे हैं वो दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम ताजमहल के पास में पहुंच चुके हैं, और अभी हम आपको आगे ले चलते हैं और बहुत ही सुंदर जो यहां के नज़ारे हैं वो आप सभी को दिखाते हैं। और द व्यू ऑफ ताजमहल इन 3, 2, 1, गो।